और चैनल हुनरदान संस्थान एनजीओ। आज हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे कानपुर के ही मंतव्य फाउंडेशन। जी, मंतव्य फाउंडेशन के दो बच्चे हैं और काफी मेहनती और काफी संघर्ष है इनका, जो कि आज दूर से मिलने आए हैं। एक भैया चकेरी से आए हैं और आप पटेल नगर से। तो दोनों से मिलवाती हूँ, कुछ बातें आपके साथ लेके आऊंगी जो शायद आपके लिए कुछ प्रेरणात्मक भी रहे और शायद उससे आपको कुछ ऊर्जा भी मिले। कृपया, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन का आल वाला ही बटन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जी भैया, क्या परिचय है आपका? मैम, मेरा नाम अर्पित है और मैं लगभग 6 सालों से समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। जी। और मेरा लक्ष्य है कि मैं निरंतर इस काम को करता रहूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबका सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहे, तो मैं कानपुर में और अपने प्रदेश लेवल में जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता हूं। कितने वर्षों से आप एनजीओ में या किसी इस फील्ड में कितने वर्षों से उतरे हुए हैं? मैम, मैं 9th क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लगभग 6 साल हो गया मुझे, 6 से 7 साल। 6 साल हो गए। जी मैम, कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत हो रहा है, छोड़ देना चाहिए? मैम, कई बार लगा है, जब लोग सपोर्ट नहीं करते, अकेले पड़ जाते हैं, तो फिर लगा है मुझे, लेकिन सबका आशीर्वाद और एक जुनून, कई सारे बच्चों से मैं मिला जिनको जरूरत थी, तो बस उनकी पुरानी फोटोज या वीडियोज कुछ देख लो तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है, फिर करते लगता है कि नहीं करते रहो। जिनको आपने पढ़ाया है? जी, मैंने इनको पढ़ाया है, हॉकी सिखाई है, लगता है कि हाँ कंटिन्यू करते रहे। तो उन बच्चों से आपको प्यार मिलता है? बहुत बार मिला है, गालियां भी मिली हैं, लेकिन हमारा कहना है लोगों से अच्छी चीजें लेनी चाहिए और बुरी चीजों को दे देनी। कुछ होता है, अच्छी भी चीजें होती है, बुरी भी चीजें होती है, और सभी व्यक्ति से सीखने को मिलता है, किसी से अच्छा बुरा जरूर सीखने को मिलता है, और मुझे ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ लोगों से मैं अच्छी चीजें लूँ। मंतव्य फाउंडेशन कहाँ पर है भैया? मैम, अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हम लोग कराने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसका कोई ऑफिस नहीं, बस फील्ड वर्क आप कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम, क्योंकि दूसरे एनजीओ में कर रहे थे, अभी खुद का किया है तो। अच्छा, तो शिक्षा में कौन कौन से चीजें, कौन कौन सा एजुकेशन आप देते हैं? मैम, हम लोग सभी तरह के एजुकेशन देते हैं, अभी तक तो लास्ट ईयर तक हम लोग हॉकी भी बच्चों को सिखाते रहे। अच्छा। और 10th क्लास तक मैं प्रॉपर वे से बच्चों के एजुकेशन दे रहा हूँ, 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ाए हैं। बस्तियों में ऐसे जाके जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें जरूरत होती है कोचिंग की, तो हमने वहाँ पर भी जाके बच्चों को पढ़ाया। अच्छा। और पढ़ा रहे हैं अभी। इसमें आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका मिलता रहा? मैम, सपोर्ट तो कुछ नहीं है, बस बड़ों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं, बस किसी का सपोर्ट नहीं मिला अभी तक, बस सब लोगों का थोड़ा बहुत तारीफें मिल जाती हैं, तो बस उसी से मन की उम्मीद और जागृत हो जाती है, आशा बढ़ जाती है कि कुछ करना चाहिए। करते रहे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम नमो दीक्षित है। नमो दीक्षित जी। जी, और मैं चकेरी से हूँ और मैं भी मंतव्य फाउंडेशन में जुड़ा हूँ, पहले मैंने भी लगभग 2 एनजीओ में कार्य। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी, मंतव्य किस हिसाब से आपने नाम रखा है? मंतव्य नाम है ना? मंतव्य, यस, मंतव्य। मंतव्य का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है और इरादा होता है, तो मंतव्य हम लोगों ने प्रयास किया और माता मंतव्य मिला के फिर एक शब्द बनाया, मंतव्य। अच्छा, तो जिसका मुख्य अर्थ है कि मंतव्य। सबसे पहले हम लोगों ने इरादा, जो हम लोगों ने पहले अपना इरादा मजबूत किया और उस इरादे को मजबूत करने के लिए पहला इरादा जो शब्द मिला उसी को हमने भावार्थ में लिया मंतव्य। हमारे लोगों में एक लाइन है जिसका अर्थ है कि एक ऐसा दृढ़ इरादा परिवर्तन लाने का। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, चीजें हैं जो वहाँ से आपके लिए। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको समाज में परिवर्तन लानी है और आई होप कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये कह सकते हैं कि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम आगे चलेंगे, उतना प्रयास कर रहे हैं। जी जी, कुछ लोग पैर भी खींचेंगे तो कुछ लोग हाथ पकड़ के आगे भी बढ़ाएंगे, तो हर जगह होता है। बिल्कुल, बात सही है आपकी, बस आप लोगों का आशीर्वाद। कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा एक आइडिया मिला हुआ है कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर भी लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं और काफी हद तक आप आगे सक्सेस हो चुके होते हैं, उसी समय आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, या फिर जिस जगह पर आपको काम करने जाते हैं वही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब करते क्या है कि थोड़ा सा सोचते हैं
फिर उनके चेहरे हमारे आंखों के सामने आते जिनके लिए हमने ये कदम उठाया था। दरअसल हम 6 साल से ऐसे ही नहीं है, मतलब बहुत से लोगों से मिले, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिले हैं। काफी बच्चे ऐसे ऐसे हमने देखे हैं जो मजबूरी में कटोरा लिए है हाथ में, कटोरा भी नहीं होता किसी के पास, तो हाथ ही फैला है। जब उनकी जब उनके साथ बैठ के आप 2 मिनट बात कीजिए ना, तो वो अपनी पूरी जब गाथा बताते हैं तो भावुक हो जाता है, मन खराब हो जाता है। तो उन सब बातों को जब हम रिवाइज करते तो लगता है कि चलो इनको जो पैर खींच रहा है, जो हमको डिमोटिवेट कर रहे, तो करने दो, उनसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं हमको। जब हमने कोई कार्य करने का लिया तो चलो हमसे जितना हो पा रहा है हम कर लेते हैं। अब तक में इतने वर्षों में सबसे ज्यादा कोई जरूरतमंद ऐसा बच्चा रहा जिसकी आपने शिद्दत से सेवा की और उसको अच्छे मुकाम तक पहुँचाया? हाँ, अभी हमने जो है इसमें हॉकी एकेडमी में जोड़ा है बच्चा, कहाँ प्रतापगढ़ हॉस्टल उसका एडमिशन हो गया। अच्छा, प्रतापगढ़ हॉस्टल में एडमिशन हो गया है। और वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसी जगह जोड़ दिया जी जिससे कि अगर वो जुड़ा रहेगा तो आई होप उसको अच्छा एजुकेशन मिल जाएगी। दिशा दिखा दी आपने। उसके माता पिता का बैकग्राउंड क्या था? मजदूरी करते हैं। तो ये आत्मसंतुष्टि आपको मिली कि हमने एक अच्छा कार्य किया, ये मोटिवेट, क्योंकि यही तो एक समाज सेवा है जी। अगर आपको उस समाज सेवा करने से जिससे आत्मसंतुष्टि मिले, सच्चा सोशल वर्क वही है जी। मेरे को ऐसा लगता है जी, जी। है ना? तो समाज सेवा असली वही होती है। आप 100 को पढ़ाएं, 100 को लिखाएं, लेकिन 100 में से अगर 2 भी उस जगह पहुंच गए जिसकी आप लक्ष्य में थे, तब आपको अंतरात्मा से एक अच्छी संतुष्टि और मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन की हाँ हमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो एक बात और पूछना चाहूंगी कि आज हुनरदान संस्थान में आने का कैसे आपने सोचा? मैम बस आपका आशीर्वाद चाहिए था, आपके बारे में बहुत सुना था, लगभग 1.5 साल से मैं फॉलो इंस्टाग्राम वगैरह में और जी जी व्हाट्सएप में आपको देखता था, मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा, ये हुआ कि मैम से मिलते हैं, होली का अवसर है तो। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे मिल करके और बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम यही चाहेंगे कि जैसे आप जैसे युवा बच्चे हैं जो इस कानपुर या फिर आप आगे भी बढ़कर उत्तर प्रदेश में अपनी समाज सेवा जारी रखना चाहते हैं, तो आप अपने युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैम हम यही कहेंगे कि हम लोग बहुत सी फालतू चीजों में पैसे बर्बाद करते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम 5 रुपए फालतू चीजों में बर्बाद कर ले, 5 रुपए में किसी की सेवा कर सकते हैं। और मुझे बर्बाद करने से ज्यादा 5 रुपए वाली खुशी आपको ज्यादा दे देगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। आप गरीब को कुछ खाना खिला दोगे आपको बहुत मदद करेगा, बहुत दुआएं देगा वो। हालांकि आजकल का युवा तो एक घंटे निकाल के जो बच्चे रियल में पढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं कहते आप प्रॉपर पढ़ाओ, कुछ बेसिक नॉलेज है जो आप उनको दे सकते हैं उस पे फोकस कर लीजिए, ना पैसे से कोई मदद कीजिए जी। क्योंकि बहुत से फील्ड में हम नहीं कहते सारे बच्चे पढ़ना चाहते, लेकिन कुछ है उसमें जो उनकी वजह से रह जाते हैं जी जी जी, क्योंकि वो गलत व्यवहार कर रहे हैं जी, जी। तो अब जो उसमें वाकई नीडी है जी, जी, उसके लिए मनोधारणा थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। क्यों जाए हम, वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ये कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है कि अगर 100 बच्चे उसमें खराब हैं तो 10 बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन 90 के चक्कर में उन 10 की गिनती भी लगता है, यार अब इनके लिए भी कैसे जाएं, मन खराब होता है। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, हम यही कहेंगे कि आप अपने जैसे युवाओं को और प्रेरित करें समाज में, और कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया आप काम करें। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप फतेहपुर से ही हैं जी। चलिए, हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, क्योंकि जितना अधिक से अधिक शेयर होगा आपके प्रेरणा भरे संदेश लोगों तक जाएंगे तो शायद लोग जागरूक होंगे। और मैं सच कहूँ, मेरा इरादा इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कराने का इतना नहीं होता कि मुझे इससे पैसे कमाने या अर्निंग करनी है। भगवान बैठा है साक्षी इस चीज के लिए कि शुरुआत तो मैंने ये टाइम पास के लिए किया था, घरेलू चैनल बनाया था एक, लेकिन जब मैंने देखा कि हुनर मेरे अंदर 12 हुनर है, मैं उनका दान करने लगी, तो मैंने अपनी इस चैनल का नाम रख लिया हुनरदान। तो वो हुनरदान करते करते ही हुनरदान मैंने अपनी संस्था का भी नाम डाल दिया। तो इसी हुनरदान से मैं चाहती हूँ लोग प्रेरित हो, लोग एक दूसरे तक जाए, समझे। कई बार महिलाएं घर में बैठी, खाया पिया, सो गई, या मूवी देख लिया, या फिर सास बहू की पिक्चर देख ली जी। तो हमने चैनल इसलिए बनाया कि लोग हमको ही देख के प्रेरणा लें जी।
जी कुछ अच्छा करें, कुछ सीखें, हुनर है वो भी लोगों को दान करें। तो हमारी संस्था का सिर्फ यही संदेश था कि या तो हुनर है तो दान करो और नहीं तो हमसे ले लो। जी जी है ना, इसीलिए हमने तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के थ्रू कुछ संदेश देना चाहते हैं हुनर दान के लिए, क्या कहेंगे आप? मैम जैसा आपने मुहिम चालू की है और भी महिलाएं आपके साथ जुड़े और जो उनके अंदर एक बेहतर चीज है वो समाज में और महिलाओं को सिखाएं। अगर उनके अंदर कोई हुनर है तो वो सबको सिखाएं और लोग आपके साथ जुड़ते रहें जिससे लोगों को और मोटिवेशन मिले, जानने की चीजें मिले और लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे। मैम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे चैनल में, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की करिए। नेक्स्ट टाइम कभी आप आते हैं तो अच्छे मुकाम पे पहुंचिए, यही हम आशा करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल में बने रहने के लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।